हाय फ्रेंड्स, तो इस तरह के प्लेट पे मैं काफ़ी टाइम से कुछ आर्ट बनाने का सोच रही थी, पर ऐसा प्लेट मेरे पास नहीं था। फाइनली मैंने इसे परचेज किया है और आज बिल्कुल ही नया आर्ट मैं इसके ऊपर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक पेंट कर दिया, सिंगल कोट किया है। आप चाहें तो इस पे जेसो भी कर सकते हैं। डबल कोट मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे इसके ऊपर फिर से कलर करना है। अब मैं गोल्ड एक्रेलिक पेंट से इसकी सारी आउटलाइन कंप्लीट करूंगी। इसके लिए मैंने पेंट को कोन में भर लिया है। इससे पहले मैंने बॉटल से पेंट लिया था लेकिन वो थोड़ा रनी था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्यूब वाला पेंट यूज किया, वो थोड़ा थिक होता है। अच्छा, ये आउटलाइन आप और भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मार्बल पाउडर से बना सकते हैं या वॉल पुट्टी से भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे मोल्डिट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को यूज करने के बाद उसके ऊपर आपको गोल्डन पेंट लगाना ही पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं, इस बार कुछ नया करते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल नया बनेगा और सुंदर बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइंस सारी कंप्लीट हो चुकी है और अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम कलर फिल करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पर्ल गोल्ड लिया है। तो आइए इसको कलर कर लेते हैं। एक कोट कर लेने के बाद मुझे लगा कि इस पे एक या दो कोट और देना चाहिए, तो मैंने इसको तीन कोट किया है और अब ये इस तरह का दिख रहा है। तो चलिए अब गोल्डन पेंट के बाद इसमें बाकी के कलर फिल करना शुरू करते हैं। आज के डिज़ाइन को मैं सिर्फ दो कलर से कंप्लीट करूंगी। उसके लिए मैंने लिया है डार्क पिंक और ग्रीन। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। तो कलरिंग पार्ट अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसको एटलीस्ट 7 to 8 hours के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। मैं इसे पूरी रात के लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर वार्निश कर दूँगी। वार्निश पहले करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद जब हम मिरर्स या स्टोन्स लगाएंगे तो तब हम वार्निश नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए मिरर लगाने के पहले मैं इसको वार्निश कर दूँगी। वार्निश मैंने अप्लाई कर दिया है और वो ड्राई हो चुका है। तो अब आइए इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मिरर्स लगा रही हूँ और कुछ स्टोन्स भी मैं इस पे लगाऊंगी। पेंटिंग कंप्लीट होने से पहले इस पे कुछ डॉट्स लगाएंगे, उसके बाद ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो आइए इसका कंप्लीट लुक थोड़ी देर में देखते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो भी आर्ट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यू आर्ट है। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे पता नहीं इस आर्ट को क्या नाम देना है, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और मेरे दिमाग में जैसे जैसे जो आता गया मैं बनाती गई और वाकई में ये बहुत ही सुंदर बना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।